नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं, ये हमारा एक गेज है, जो पहले का जो हमारा गेज है, जिन भाइयों ने अपना पहला जो गेज है वो देखा है, उनको ये इनको ये ख्याल में होगा कि ये जो गेज है ये पहला ही गेज है हमारा। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ा कट करके, वही मटेरियल यूज़ करके, इसको थोड़ा कट करके इसका जो शेप है और जो इसका मैकेनिज़्म है वो हमने चेंज किया है। ख़ासकर इसका मैकेनिज़्म जो है वो बहुत ही एक हेल्पफुल मैकेनिज़्म हमने लगाया हुआ है इसमें। तो इसमें क्या है, पहले के जो गेज में था वो ये था कि हमें इसमें जो है वो कुछ चिकन के पीसेस वगैरह, मीट वगैरह कुछ रखना पड़ता था, तो वो कभी अवेलेबल होता कभी ना होता, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इसमें जो है आपको वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैकेनिज़्म ही वैसा हमने बनाया है ताकि इसमें कुछ भी हम ना रखते हुए भी जो है इसके अंदर जो है जंगली बिल्ला या फिर मंगूस जो है वो इसमें आए। तो आपको मैं इसका पहले ओवरऑल एक व्यू दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह से हमने ये किया हुआ है। तो पहले आप ये देख लीजिए, देखिए ये इस तरह से बनाया हुआ है। अब मैं इसके मैकेनिज़्म की आपको बात बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये वर्क करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये टीन है, टीन का जो एक जादर है पत्थर है, एक जो ये पत्रा है ये यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो इसको हमने यहाँ पे देखिए, ये पहले का ही है हमारा, तो यहाँ पे इसके अंदर से ये स्लाइड होता हुआ नीचे तक जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने एक रॉड दिया हुआ है एक, तो यहाँ पे जो है इस तरह से ये जो मैकेनिज़्म है ये बहुत ही यूज़फुल है और ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए कैसा है कि इसके अंदर जो है, ये जो मैंने एक बक्सा बनाया हुआ है पीछे, इसके इसके अंदर आपको एक जो चूज़ा है 300-400 ग्राम का जो एक चूज़ा है, आपको इसके अंदर डालना है। एक डाल सकते हैं या दो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेफ़ है उनके लिए भी। तो इसके अंदर से मंगूस वगैरह जो है इसके अंदर से उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो इसके अंदर हमें वो डाल के रखना है। तो उनकी आवाज़ से जो है वो मंगूस या जो भी बिल्ला वगैरह है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद उनका क्या होता है कि वो अंदर जाने के लिए जगह ढूंढते हैं, उनका एक नेचुरल वो ये है बिहेवियर है, तो वो पहले जगह ढूंढेंगे जाने के लिए। तो जगह है कि सिर्फ आगे से उनको मिलेगी, तो वो जैसे ही गेट के अंदर से देखिए गिर भी गया है, बहुत ही एक सेंसिटिव में था ये। तो इसको मैं लगा के बता देता हूँ आपको किस तरह से है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे इसे फिर से सेट कर दिया है। तो इसका कैसा है, देखिए अंदर में आपको एक ये प्लेट दिखाई दे रही है, ये देखिए ये प्लेट है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे ये बोल्ट लगाया हुआ है दोनों तरफ से, उसमें से रॉड दी हुई है और रॉड के ऊपर जो है ये प्लेट जो है वो हमने यहाँ पे वेल्ड की हुई है। तो होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे अगर पैर यहाँ पे रखेगा मंगूस या हमारा बिल्ला, तो यहाँ पे जैसे पैर रखने पर ये क्या होगा, ये जाएगा ऐसे नीचे, और ये जैसे नीचे जाएगा वैसे ही क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये रॉड दी हुई है हमने, तो ये जगह ये हमारा आगे का जो पोर्शन है ये नीचे जाएगा, तो ये जो है ये ऊपर आएगा। जैसे ये ऊपर आएगा तो ये रॉड जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो ये सीधे ऊपर आ रही है, तो इसको क्या है, इसको ये ऊपर आने के बाद इसको जो है ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद जो है ये यहाँ पे जो एक ये लगाया हुआ है, एक वायसर दिया हुआ है हमने, एक वायसर देने के बाद आगे इस तरह से हमने ये मैकेनिज़्म किया हुआ है।
तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे ये ऊपर होगा तो ये पीछे आएगा, पीछे आने के बाद ये जो है वायसर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अटका रहेगा, तो ये पीछे होगा। ये पीछे होने के बाद जो है ये जो रॉड है यहाँ पर, जो छोटा सा एक टुकड़ा आप रॉड का देख रहे हैं, ये वायसर के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये मैंने इसको, इस रॉड को यहाँ पे अटैच किया हुआ है। यहाँ पे एक देखिए, एक थोड़ा सा एक मैंने यहाँ पे तार लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है, आगे से मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजअप में। देखिए ये इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये पीछे जाएगा, जैसे ये रॉड जो है ये पीछे जाएगा, तो ये जो यहाँ पे जो छोटा सा एक मैंने तार जो लगाया हुआ है, इसमें से ये जो आगे दरवाज़ा जो यहाँ पे, इसका पूरा वेट जो है यहाँ पे है। तो जैसे ही ये पीछे जाएगा तो ये गिर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको अगर ऊपर उठाता हूँ मतलब ये जो है यहाँ पे, ये जो है ये नीचे जाएगा, मतलब इस पे जैसे ही पैर पड़ेगा तो ये नीचे होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं इसको ऊपर करता हूँ, देखिए ये खुल गया, आगे दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये जो है, ये काफ़ी एक सेंसिटिव है, काफ़ी हल्का सा भी अगर अंदर, अगर पैर का वेट अगर आ गया उस पर, तो वो जल्दी से गिर जाएगा। तो इसमें आपको मीट वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप मीट शॉप से लाओ, पीसेस लेके आओ और उसमें डालो, वो झंझट मैंने आपके लिए नहीं रखी है। तो ये एक काफ़ी अच्छा है आपके लिए, अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म अगर है तो आपको ये ज़रूर से बनाना चाहिए, आप इसे ज़रूर बना कर रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है दोस्तों, आपके लिए यूज़फुल है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही वीडियो को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।